नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 3 नए नगर निगम बनाने की मंजूरी, मल्टीटास्क वर्करों को तोहफा, भरे जाएंगे सैकड़ों पद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 3 नगर परिषदों को नगर निगमों में तथा 2 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की भी मंजूरी दी। बैठक में हमीरपुर, ऊना व बद्दी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही नादौन व जावली को नगर परिषद, संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बंगाणा व कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। मल्टीटास्क वर्करों को अब 4500 के बजाय 5000 प्रतिमाह मिलेंगे। मंत्री जगत सिंह नेगी व विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित करने तथा भरने का भी निर्णय लिया गया। इस सीजन में ताबों का न्यूनतम पारा पहली बार -7.6 डिग्री तक गिरा, जमने लगे झरने नाले। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में होने के कारण कई झीलें, नदी नाले और झरने जमने लगे हैं। इस सर्दी के सीजन में पहली बार ताबों का न्यूनतम तापमान -7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके अलावा कुकुमसेरी व समदो का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। केलांग का पारा शून्य तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट के चलते ग्राम्फू से आगे डोहरनी और छोटा दड़ा के आसपास सड़क पर कोहरा जम रहा है। इसे सीमा सड़क संगठन ने सड़क दुर्घटना होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 22 नवंबर को भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर मंडी, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा में शुक्रवार सुबह और शाम को कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहा। इन जिलों में 20 नवंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। शनिवार को शिमला व आसपास के भागों में मौसम साफ बना रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर कंगना रनौत का बयान, बोली, यह एकता के लिए आह्वान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, ये एकता के लिए आह्वान है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक हैं। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, यह हर इंसान समझता है। परिवार में भी हम यही कहते हैं कि परिवार साथ में होना चाहिए, देश साथ में होना चाहिए। अगर हम साथ हैं तो सुरक्षित हैं। हमारी पार्टी सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी POK को भी साथ लेना चाहती है और विपक्ष की बांटने की साजिश नाकाम हो रही है। विपक्ष का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। बता दें, कंगना रनौत विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। इस दौरान उन्होंने शनिवार को नागपुर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बातें कही। कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पर छात्र से छेड़छाड़ का आरोप, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस थाना नादौन के तहत एक सरकारी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि सहायक प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल के दौरान उससे छेड़छाड़ की। कॉलेज प्राचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के वुमेन सेल और अनुशासन कमेटी से पूरी जानकारी लेकर इसकी सूचना पुलिस थाना नादौन को दे दी। प्राचार्य ने कहा कि वीरवार को जब छात्रा प्रैक्टिकल दे रही थी तो उसी दौरान सहायक प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ की हरकत की। छात्रा ने उसी समय अपने साथ हुई इस हरकत के बारे में महाविद्यालय के वुमेन सेल के अध्यक्ष और कार्यकारी प्राचार्य को सूचित किया। वहीं थाना प्रभारी नादौन बाबूराम शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय की ओर से सहायक प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है, छानबीन जारी है।
वन मित्र अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण 22 नवंबर को वन्य प्राणी मंडल चंबा के अंतर्गत वन्य प्राणी वन परिक्षेत्र सेचू में वन मित्र के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण 22 नवंबर 2024 को वन मंडल किलाड़ के पास GRIF कैंप में प्रातः 10 बजे होगा। यह जानकारी वन मंडल अधिकारी वन्य प्राणी मंडल चंबा ने दी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने वन मित्र के लिए आवेदन किया है वह 22 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे पांगी के समीप GRIF कैंप में प्रातः 10 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।